हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ NIOS बोर्ड का जो है होम साइंस का चैप्टर नंबर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ जो है आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो वित्त पोषक होते हैं, ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो जो होते हैं तत्व, वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसका क्या महत्व है। फिर हम यहाँ पर जो है आहार के बारे में जानेंगे, उसकी पोषण तत्व के बारे में जानेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर में बहुत और कुछ है जो आपको समझना चाहिए और एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, यह है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे यह होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या प्लस 2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। दोस्तों, ये तो था आपके लिए, अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। अब दोस्तों आ गए हैं हमारा जो है चैप्टर फोर्थ, आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आहार, पोषण, स्वास्थ्य क्या होती है। कहते हैं आहार हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही हमारे अस्तित्व से जुड़ा भी रहता है। शायद यह हमारे जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक होती है आहार। आपने देखा भी होगा हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वह भोजन, कपड़ा, मकान। तो आपको पता है कि अगर आपके पास कपड़ा न हो फिर भी आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अपना जीवन यापन कर भी लोगे। अगर कोई आवास न हो, घर न हो, फिर भी कहीं ना कहीं अपना गुजारा कर लोगे। लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, जिसके बिना हमारा जीवन रह नहीं सकता, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो है भोजन। कहते हैं भोजन करना प्रत्येक जीव के लिए महत्वपूर्ण है। ये दुनिया में जितने भी संघर्ष होते हैं, जितने भी लोग ऐसे गलत भी कर रहे हैं, कोई अच्छा भी कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है, जो पैसे छीन रहे हैं, कोई लूट रहा है, कोई मार रहा है, तो ये सब सबका कारण एक ही होता है, आहार। उनको आहार अपना जो होता है कैसे भी इकट्ठा करना होता है। लेकिन मैं तो उन लोगों पे दुखी होता हूँ जो लोग के पास हद से अधिक पैसे भी होते हैं और फिर भी वो क्या करते हैं, मार काट की जो है स्थिति पैदा करते हैं और गरीबों को लूटते हैं। ऐसे लोग सदैव ही मुझे दुखी करते हैं। लेकिन चलिए, ये बात तो उन लोगों को खुद ही आने वाला भविष्य में पता लग जाएगा कि उनकी हालत क्या होने वाली है। लेकिन कहते हैं जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है भोजन। कहते हैं आहार छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है। इसकी आवश्यकता अलग अलग मात्रा में शरीर के विभिन्न अंगों को विशिष्ट कार्य भी संपन्न करने में होती है यूज़। कहते हैं तपश्चर्या कि अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे आहार में आवश्यक पोषण तत्व अच्छे पोषण तत्व को होना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी भी पड़ जाता है। कहते हैं हमारे आहार में आवश्यक पोषण तत्व गलत मात्रा में हो
तो आवश्यकता से अधिक या कम हो तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों का असंतुलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बीमारियाँ हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको बीमारियाँ से छुटकारा पाना है तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए कहते हैं ना, बीमारी से अगर आपको बचना है तो हर एक आवश्यकता बातों पर ध्यान देना होता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हम कुछ गलत भोजन कर लेते हैं, कुछ गलत खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और अच्छा खासा पैसा जो होता है हमें डॉक्टरों के पास देना पड़ता है, अच्छे खासा हमारा पैसा जो है हॉस्पिटल में ले लिया जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो इसका एक ही उपाय है कि आप चैप्टरों को अच्छे से समझिए। इसमें अगर आप समझ लीजिएगा ना, तो कहते हैं आधा बीमारी और घर के आधा पैसा आपके नष्ट होने से बच जाएगा और बीमारी से भी आप छुटकारा पा जाओगे। क्योंकि सारे चक्र जो होता है आहार पे ही आके अटकता है। क्यों? क्योंकि आहार ही हमारे शरीर को सारे पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमें कई बीमारियों से भी बचाता है। आपने देखा ही होगा कि आहार जब आप ग्रहण करते हो तो कुछ बच्चे जो होते हैं प्याज को अलग कर देते हैं, ठीक है, अदरक को अलग कर देते हैं, लहसुन को अलग कर देते हैं, कुछ तो टमाटर वमाटर को भी अलग कर देते हैं, कुछ मटर भी खाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसे खाना भोजन करने से आपका शरीर जो है कुछ इम्पोर्टेंट पोषक तत्व जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त उसको नहीं हो रहा है। और आप 100% है कि आप बीमार ही होने वाले हो। एक कहते हैं ना, कुछ दिन ठीक रहोगे फिर बीमार पड़ोगे, कुछ दिन ठीक रहोगे बीमार पड़ोगे। तो आहार जो होता है हमारे लिए प्रत्येक चीज़ को खाना इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप शाकाहारी हो तो शाकाहारी वाले भोजन पर्याप्त मात्रा में खाओ, अगर मांसाहारी हो तो उसको अपना खा लो। देखिए अपना जैसा कहते हैं ना, जो आपकी इच्छाएं प्रकट करती है, जो आपका मन कहता है खाने को वही चीज़ खाइए। इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई कहेगा कि आप मांस मछली खा लो, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपको जो भोजन आपको अच्छा लगता है, जो मन को पसंद करता है, लेकिन खाओ अच्छे से। ये नहीं कि उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको आप परे कर दो, क्योंकि इन चीज़ों कहते हैं ना, मसाला जो होती है हर जगह हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। अदरक लहसुन, आपको पता है इसका गुण जो है कोई साइंटिस्ट से ही बता सकता है या कोई अच्छा व्यक्ति ही बता सकता है कि इसमें कितने गुण होते हैं। कई दवाइयों तो इन्हीं चीज़ों से ही बनाया जाता है और आप इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो। तो इसलिए कहते हैं अगर आप गृहिणी हो तो घर में इन सारे एलिमेंट को, सारे तत्वों को आप ज़रूर अपने भोजन में सम्मिलित करो और देखो आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो रहते हैं सदैव स्वस्थ रहेंगे, उनको किसी तरह की बीमारी होने के चांसेस बहुत ही कम जाएगा। अब जो हम देखेंगे इस चैप्टर में जो है पहला पॉइंट यही आता है कि आहार क्या है। आहार तो आपको पता ही हो गया होगा कि फूड को कहते हैं। आहार शब्द ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए उपयुक्त होती है जो हम खाते हैं। जो भी चीज़ आप खाओ सभी आहार में आता है, तथा जो हमारे शरीर का पोषक तत्व करता है, यानी जिससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। पोषक तत्व के बारे में आपको पता ही होगा कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार में, मैंने बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसमें ठोस, अधोष तथा तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं। इसे कहते हैं इसमें हर तरह की चीज़ें जो होती है सम्मिलित होती है। इस प्रकार जो है खाद्य पदार्थ में निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी आवश्यक है। कहते हैं पदार्थ खाने योग्य होना चाहिए और पदार्थ शरीर के पोषण मिलना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन की मूलभूत आवश्यकताएँ क्यों माना गया है? क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी बात भी है। कहते हैं कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सके तथा जो शरीर का पोषण करे आहार कहलाता है। तो आहार का डेफिनेशन यही होता है, कोई भी पदार्थ जिसे हम खा सके तथा जो शरीर के लिए पोषण तत्व प्रदान करते हैं उसे ही आहार कहते हैं। इसमें सब तत्व जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट आप खाते हो तो ये शरीर के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है और कई शरीर के जो टूट फूट होती है, कहीं कुछ ज़रूरतें होती हैं तो उनको जो है ये कंप्लीट करती है। तो भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं भोजन के कार्य क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, भोजन के कार्य के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देख चलिए देखते हैं कि हमारे भोजन के जो है पहला कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य तो यही आता है, सामाजिक कार्य। देखिए भोजन और खाना एक महत्वपूर्ण सामाजिक अर्थ रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन करने में जो है सामंजस्य की भावना विकसित होती है।
विश्व भर में भोजन किसी भी आयोजन का एक अंतर्गत हिस्सा होती है। आपने देखा ही होगा कि बच्चे के जन्मदिन पर या परिवार में शादी ब्याह और अन्य शुभ अवसरों पर दावत दी जाती है और इसमें जो है सुस्वाद व्यंजन खिलाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान में भी भोजन का विशेष महत्व रहता है। आपको पता है कई धर्मों में तो लंगर नाम की प्रथाएँ भी चलाई गई है, जिसे भोजन जो व्यक्ति है साथ में बैठ के ग्रहण करते हैं और जो है भाईचारा का जो है संदेश भी देते हैं। तो भोजन सामाजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि भोजन, आपको पता ही कि भोजन के बिना विवाह संभव नहीं होती है। ठीक है, कोई भी बेशक कैसे भी मैरिज हो, कहते हैं जब तक 10 बंदे आके खाना नहीं खाते तब तक मैरिज को कंप्लीट नहीं समझा जाता है। कोई भी बारात जाता है, कोई भी धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम भोजन पे ही ध्यान देते हैं। कहीं लंगर चल रहा हो तो लंगर पे ध्यान देने लग जाते हैं, कहीं पार्टी जाते हैं तो पार्टी में हम हर तरह के भोजन का जो है स्वाद लेते हैं। तो कहते हैं सामाजिक तौर पर जो है भोजन का अपना एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भोजन के बिना जो है कोई भी समारोह होना संभव नहीं माना जाता है। उसके पश्चात जो है मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए, हम सबके कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं भी होती है, जैसे सुरक्षा, प्रेम, आदर, सत्कार। इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का भोजन एक माध्यम होता है। उदाहरण, जब आपकी माँ आपको पसंद का भोजन तैयार करती है तब आपको कैसा लगता है? आपको महसूस होता है कि माँ आपको प्यार करती है और उसका ध्यान रखती भी है। कभी कभी भोजन पुरस्कार के रूप में भी दिया जाता है। क्या आपको याद है कि जब आप बच्चे को अच्छे कार्य करने पर इनाम के रूप में चॉकलेट दे दी हो? इसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ बीमारी के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे खिचड़ी या सादा भोजन। युवावस्था में दृढ़ की अनुभूति भी रहती है। तो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है भोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपको पता ही है कि अगर आपके घर में दो बच्चे होते हैं तो आप क्या कहते हो, जो पहले काम कर लेगा स्कूल को उसको जो है हम अच्छे खाना खिलाएंगे, हम ये खाना खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। तो बच्चे जो है मानसिक तौर पर कार्य जो है संपन्न कर लेते हैं। तो आज मानव विज्ञानिक में भी जो है भोजन का अपना एक महत्व रखता है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रह जाता है। अंततः कहा जा सकता है कि उस समय दिया गया भोजन भी मनोवैज्ञानिक के रूप से उन्हीं भावनाओं से जुड़ जाता है। उसके पश्चात है शारीरिक कार्य। देखिए, शारीरिक कार्य में जो भोजन है वही महत्वपूर्ण रह जाता है। कहते हैं भोजन हमारे शरीर के लिए तीन विशिष्ट कार्य करते हैं। ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं, शारीरिक विकास करना होता है, और शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना और रोगों से सुरक्षा रखना। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। आपको पता है कि हमारे शरीर में जब तक भोजन आप ग्रहण नहीं करोगे, हमारे टूट फूट कहीं भी चोट लग जाती है, तो इसके मरम्मत के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी यही बात कहता है, कभी भी दवाई लेते हो कहते हो खाते हो दवाई, तो डॉक्टर क्या कहता है, भोजन करने के पश्चात आप इसको दवाई को लेना। देखिए दोस्तों, अगर आप भोजन करने के बाद दवाई नहीं लीजिएगा तो दवाई का कोई असर नहीं होगा, आप जो होगे बीमार से बीमार ही रहोगे। क्योंकि भोजन जो होता है हमें ऊर्जा देता है, और उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके दवाई जो होता है हमारे शरीर को बचाता है। तो इसलिए भोजन जो है कई मायनों में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले बात तो यही आती है कि भोजन ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन ऊर्जा प्रदान कैसे करता है देखते हैं। कहते हैं जब प्रत्येक मनुष्य को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, घर या बाहर कहीं भी घूमने, खाने, काम करने, सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भोजन आप करते हैं उसे यह शक्ति प्राप्त होती है। विश्राम करते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर कुछ क्रिया निरंतर होती रहती है, जैसे हृदय द्वारा रक्त संचलन, उदर द्वारा भोजन का पाचन, फेफड़े द्वारा श्वसन क्रियाएं आदि। सभी को अपनी अपनी क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन हमें यह शक्ति देती है। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर आप सोचते होगे कि हम तो भाई सो जाते हैं तो हमें भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। भोजन जो हमारे शरीर, जब तक आप जिंदा हो हर समय भोजन जो है आपके लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके शरीर को प्रदान करता रहता है। सोए भी रहते हो फिर भी आपको पता है कि बॉडी बेशकली रिलैक्सेशन में रहती है, बट आपके जो हृदय है वो धड़कता रहता है, आपकी पाचन शक्ति जो होती है काम कर रही होती है, और आपको पता है श्वसन सांस की जो है चलती रहती है, फेफड़े लंग्स काम करते रहते हैं। तो इन सब को कार्य करने के लिए भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में होना तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी ऊर्जा जो है हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। इसलिए भोजन हमारे लिए जो है प्राथमिक इकाई में से माना जाता है। उसके पश्चात है
भोजन शरीर के विकास में सहायक होता है। देखिए दोस्तों, ये बात तो 100% सही है कि भोजन शरीर के विकास में सहायक होता है। अगर आप देखते हो कोई बच्चा अगर मितव्यापी अगर नहीं खाना भोजन ग्रहण कर रहा है तो देखते हो कितने पतले हड्डी सा रहते हैं। अगर भोजन नहीं ग्रहण करेगा तो उसका शरीर में जो है ऐसा ही बना रहेगा और वो बहुत उसके लिए जो है खतरनाक आगे सिद्ध हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिशु व्यस्क कैसे बन जाता है? हमारे शरीर हज़ारों छोटी बड़ी इकाइयों से मिलकर बना है। आपको पता है ना कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें हम बहुत सी कोशिकाएँ मिलकर हमें बनाया है। शरीर के विकसित करने के लिए नई नई कोशिका बनती रहती है और इन कोशिकाओं के बनने में भोजन का प्रमुख योगदान होता है। ये कोशिकाएं कभी कभी चोट से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब इसकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाओं की मरम्मत भोजन द्वारा होती है। इस प्रकार भोजन शरीर को बनाने और विकसित करने और उसको ठीक करने का कार्य भी करती है। तो आप कह सकते हो ना कि भोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो भोजन के ही कारण होते हैं। आपको कहीं चोट लगता है तो देखते हो खून का रिसाव होता है और कुछ समय के बाद जो होती है उसमें एक परत सी चढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? तो सारे भोजन का ही कारनामा होता है। कहते हैं भोजन ऐसा चीज होती है जो हमारे शरीर को गतिमान देती है। जैसे मान लो पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार जो है भोजन के बिना हमारा शरीर जो है नहीं चल सकता। अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे पर्याप्त मात्रा में तो आप बीमार ही बीमार रहोगे और अंत में आपको पता ही है कि इसका रिजल्ट क्या हो आता है। तो इसलिए जो है कभी भी समय पे ही भोजन ग्रहण करें। समय कहते हैं ना, काम तो हमें जीवन भर करना है बट भोजन भी करना है, तो अब भोजन करिएगा तभी जो है आपको जो है ऊर्जा प्राप्त होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऑफिसों में भी ऐसा ही होता है, भोजन का जैसे ही टाइमिंग होता है लोग सारे काम धंधे छोड़ के भोजन ग्रहण करने चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे उनके में ताजगी नहीं आएगी, वो नया जो है संचार शक्ति से कार्य नहीं कर पाएंगे। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट में यही आता है कि भोजन शरीर की क्रियाओं को नियमित करती है तथा रोग से शरीर की रक्षा भी करती है। तो ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये रोगों से भी हमारी सुरक्षा करता है। अगर देखिए, अभी कोरोना भी था, कुछ भी था, कोरोना वायरस में जब लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तो उस समय एक ही बात बोली जा रही थी, हर एक साइंटिस्ट, हर एक वैज्ञानिक, हर एक महर्षि, हर एक विद्वान से एक ही बात आप सुन रहे होंगे कि अगर जिसके ह्यूमन सिस्टम तगड़ा है उसको कोरोना वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो आखिर ह्यूमन सिस्टम तगड़ा कैसे होता है? क्या स्पेशल आप च्यवनप्राश खाते हो तभी ह्यूमन सिस्टम तगड़ा हो जाता है? क्या आपको लगता है हनी खाने से ह्यूमन सिस्टम तगड़ा हो जाता है, या आप कोई स्पेशल दवाई खाने से ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में समय समय और समय के साथ और नियमित रूप से जो अच्छे भोजन ग्रहण करता है और सुचारू रूप से खाना अपना ग्रहण करता है, उसी को ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है। ठीक है, कहते हैं बहुत से लोग जो थे जिनको कोरोना वायरस हुआ भी उनको पता भी नहीं लगा, तो इसका कारण ये था कि उन्होंने अपना दिनचर्या जो है और उनका भोजन का शेड्यूल जो है वो समय के साथ था। कहते हैं ये वायरस आता ही रहेगा और आपको परेशान करता ही रहेगा, लेकिन जीवन में वही बना रह सकता है जो भोजन का कदर समझता हो और भोजन के महत्व देता हो और समय समय पे अपना भोजन ग्रहण करता हो। कहते हैं अगर आप बीमारी छुटकारा पाना चाहते हो तो भोजन जो है सही समय पर कीजिए, इससे आपको रोग से लड़ने की क्षमता सदैव ही भोजन आपको प्रदान करता रहेगा, क्योंकि भोजन ही के बड़ा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप देखते भी होगी जीव जंतु जो होते हैं उनका कोई डॉक्टर नहीं होता, उनको इलाज कोई करता नहीं है, फिर भी वो कैसे जो है ठीक हो जाते हैं, कैसे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में कोई डॉक्टर तो होता नहीं है। ये कभी माइंड पे सोच के देखना। कहते हैं ये जीव जंतु जो होते हैं हमसे बहुत तेज होते हैं, वो जो होते हैं कुछ खा पी के ही अपने शरीर को बूस्ट कर लेते हैं, खा पी के ही जो होता है उनको पता होता है कि हम ये भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा, तो वही पेड़ पौधे खाते हैं जिनसे उनको जो है पूरी तरह से एनर्जी मिल जाता है। तो यही बात है इंसान पे भी लागू होता है। अगर इंसान भी जो है पहले के समय में कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं हुआ करता था, जब ये जो ये आदि मानव हुआ करते थे, तो उस समय आपको पता है वो लोग भी ऐसे ही भोजन ग्रहण करके अपने बॉडी को जो थे स्वस्थ करते थे। तो वही बात है ना, आप अपने आप को जो है मॉडर्नाइज समझ रहे हो, अपने आप को आधुनिक युग के मानव समझ रहे हो। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बेशक लिए आधुनिक हो गए हैं लेकिन कहते हैं ना हमारे शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो पुरातन समय से लेकर आज तक लोग जो थे भोजन पर ही आश्रय हैं, कोई और चीज़ पर आश्रित नहीं हुए हैं। देखिए दुनिया में आपके पास घर उस समय नहीं रहा था, आज आपके पास घर है, मकान है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन भोजन का रूप तो वही है ना,
भोजन तो पहले भी फल फ्रूट सब्जी के रूप में था, आज भी फल फ्रूट सब्जी के रूप में है। हाँ बेशकली आपने नई नई वैरायटी जो है बना लिया है, नए नए चीज़ों का विकास कर लिया है, तो ये चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन भोजन का कार्य पहले भी वही था और आज भी वही है। मैंने कहा ना कि अगर आप मेरी बातों को अगर आप समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आपको कहते हैं ना कभी जीवन में बीमार हो ही नहीं सकती। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये बात को भली भांति जानता भी हूँ। तो इसमें चलिए, तो बात था एक अच्छाई था, लेकिन बात यहाँ रोग से शरीर की रक्षा की करने की है। कहते हैं शरीर के अंदर प्रकट होने वाले रोगों तथा उनके कीटाणुओं को लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। देखिए मैं जो बात आपको समझाया हूँ वो सारी बात यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में आ रही है कि कीटाणु से लड़ने की शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। हमारे शरीर में जो क्रिया निरंतर स्वतः हो जाती है, उनका नियंत्रण और उनका सुचारू रूप से चलना हमारे भोजन पर ही निर्भर होती है। श्वसन क्रियाएँ या रक्त संचलन, पाचन, मल निष्कर्षण से ये सब क्रियाएं भोजन द्वारा ही व्यवस्थित होती है, नियमित होती है। हमारे तापमान जो है 98.6 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रकार हृदय की गति जो लगभग है 72 मिनट रहती है, यानी एक मिनट में 72 बार धड़कती है। तो दोस्तों यहाँ बात, यहाँ साफ शब्दों में यही बात कही गई है कि हमारे शरीर की जो होती है, आपको पता है कि हमारे शरीर के जो तापमान होती है वो 37 सेल्सियस होना चाहिए। अगर आप इसको फेरहाइट में नापते हो तो 98.6 डिग्री होना चाहिए। हमारा हृदय जो होता है एक मिनट में 72 बार जर्नली धड़कता है। जब आप कुछ उच्च कार्य करने लग जाते हो तब इसकी धड़कन जो है तेज हो जाती है। तो कहते हैं सारे चीज़ों के लिए जो है, जो हमारे शरीर के लिए जो है भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। कहते हैं शरीर की जो है मल निष्कर्षण नियमित रूप से होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों कहते हैं जो मल कब निकलती है, यानी बॉडी में आप कब लैट्रिन जाते हो, इसका अपना जो एक महत्व रखता है। कई कई व्यक्ति जो होते हैं अपने कब्ज के शिकायत से बने रहते हैं। तो आखिर इन कब्ज की शिकायत इनको क्यों हुआ, आपको पता है? कब्ज को उनको शिकायत रहता है जो है रेशेदार सब्जी ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे वो सलाद नहीं खाते हैं। अगर आपको कब्ज की शिकायत हो तो आप लेते हो चूर्ण खा लेते हो, तो ये दवाई खा लेते हो। अगर वही दवाई या चूर्ण के जगह पर अगर आपने सलाद खा लिया होता या रेशेदार सब्जी खा लिया होता, आप सोचोगे कि रेशेदार सब्जी में होती क्या है? तो तोरी आपको पता ही है, तोरी होती है, जिसको कई लैंग्वेज में अपने अपने लैंग्वेज में अपना अपना वर्डिंग में इसको कहते होंगे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इसको तोरी नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे हो गया और जैसे सलाद हो गया। तो ये सलाद जो होती है हमारे शरीर के मल त्यागने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आप लोग क्या करते हो, सलाद को पड़े मारते हो, ये चीज़ें नहीं करते हो, तो उसके दवाई तो आपको खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना पढ़ाई लिखाई का मतलब सदैव ही होता है कि आप समझदार बनो। मैंने कहा ना जो मेरी वीडियो देखते हैं समझते हैं उनको जीवन में कभी किसी तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हम जो है उसी रूल रेगुलेशन पे चलते हैं। और आप सोचते होगा कि ये सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, नहीं दोस्तों, इवन कि मैं अपने ऊपर भी इसको लागू करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े चाहे PhD हो चाहे कुछ भी बंदे हो, कहते हैं अपनी दिनचर्या अगर सही नहीं रखेंगे तो उनके सारे जो है कार्य व्यर्थ हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने बहुत तरक्की किया है, बहुत बिजी बंदे हो, इतने बिजी हो कि आपके पास एक सेकंड भी आपको खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप बीमार पड़ जाओगे ना तो बिस्तर जो होगा आपके सारे काम को बेकार कर देगा। कहाँ आप इतने बिजी थे और अब आप क्या हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। तो कहते ना जो चिंता आपने उस काम में दिखाई थी, अगर वही थोड़ा सा समय निकाल के भोजन अगर सुचारू रूप से खाते तो अब आपका काम नहीं रुकता। तो कहते ना अगर काम करना सच्चे ढंग से रूल रेगुलेशन से है तो प्रतिदिन जो है भोजन सही ढंग से भी करना भी ज़रूरी है। तो ये सब बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये आपके लिए भी। कहते यदि ऐसा नहीं होता तो कई गड़बड़ियाँ हो सकती है, जैसे कब्ज का रोग, भोजन द्वारा ही समस्त जो है कार्य सुचारू और नियमित से चलती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। ये बात कब्ज की रहती है तो कब्ज के लिए आपको पता ही है कि आपने क्या करना है और अपने जो है परिवार के बड़े सदस्यों को क्या सलाह देना है, आप कहने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। भोजन जो होता है दोस्तों, आपको जैसे देख ही रहे होगे, ये सोशल और जो है साइकोलॉजिकली हमारी जो है बहुत हेल्प करती है। ये हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करती है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है।
भोजन करने से आपको, जैसे आपको पता ही है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिवन होती है एंड ग्रोथ होता है। आप जैसे छोटे से बच्चे होते हो और बच्चे से जो होते हो आप व्यस्क बन जाते हो, तो ये सारे जो होते हैं भोजन का ही परिणाम स्वरूप होता है। भोजन के कारण ही आपको स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, भोजन के ही कारण आप रेगुलरली, यानी जो आपका बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से चलता है और आप स्वस्थ रहते हो। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो था आपके ए पार्ट में था, हम आगे के टॉपिक जो है बी पार्ट में करेंगे। बी पार्ट में जो है और हम बहुत कुछ जानेंगे, तो आप लोग तिरपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और देखते रहिए तिरपान स्टडी सेंटर, और इसमें आपको हर तरह के नॉलेज, हर तरह के ज्ञान मिलेगा। तो दोस्तों मिस मत कीजिए, हर एक वीडियो देखिए और समझिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।